इस वीडियो में हम बात करेंगे AHCRO 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस पेपर के सोल्यूशन के बारे में। विद एक्सप्लेनेशन आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताए जाएंगे और जो जो आंसर ऑफिशियल के हिसाब से डाउटफुल है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के किसी भी रीसेंट पेड ग्रुप के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे दो ऑफिशियल नंबर हैं 8564880530 या फिर 9696066089। इन पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव बैच के बारे में। इस समय बिहार दरोगा मेंस और UPPCS RO का जो री एग्ज़ाम है उसके पेड ग्रुप हमारे नए ऑलरेडी रनिंग है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन दोनों एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। पहला यहाँ से क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्ज़ाम्पल नहीं है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ऐसा प्रिंटर जिसमें एक हथौड़े टाइप का स्ट्रक्चर होता है अंदर, वो किसी दूसरे प्रोजेक्शन पे जब वार करता है तो जाके कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन की अगर आप बात करेंगे तो तीन के तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जबकि लेज़र नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। दूसरा है PNG का मतलब क्या होता है, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तीन पे, इसमें हमसे पूछा है कि XML में X का मतलब क्या होता है, तो X का मतलब एक्सटेंसिबल होता है, ऑप्शन सी। उसके बाद चार नंबर में हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो कि डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन के कंटेंट को सीधे सीधे स्टोर करके रख लेता है, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ से मेमोरी बफर रजिस्टर, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि डेटा को सीधे सीधे स्टोर कर लेता है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो कि अगले आने वाली इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है वो नहीं, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस को अपने अंदर रखता है, तो इस रजिस्टर का नाम है यहाँ से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन ए। इसमें अगले इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे थे, सॉरी, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो करंट वाली, अगले वाली अगर पूछते तो इसमें प्रोग्राम काउंटर जाता। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन से ऐसे डिवाइस है या फिर कौन सी ऐसी यहाँ पे टेक्निक है या फिर जो भी पेरिफेरल है वो CPU और जितनी भी उससे दूसरी डिवाइस कनेक्ट होती हैं इनके बीच में कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, तो इसका नाम है कंट्रोल बस, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। OPC का फुल फॉर्म इसमें बता दीजिए, तो OPC का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, डी। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे उनको रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी उनको ये बताएगा कि किस तरीके से उन्हें कार्य करना है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है सर्वर होगा इसका। इसके बाद कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि तब काम आता है जब कोई पर्टिकुलर यूज़र किसी वेबसाइट पे वापस आ जाए, तो इस कीवर्ड का नाम है कुकी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है कि MS पावर पॉइंट में जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन किस नेचर की होती है, तो उसका नेचर कुछ इस तरीके का होता है कि उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलवेज रेडी टू यूज़, ऑप्शन ए। इसके बाद कौन सा ऐसा एक्रोनिम है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है जो कि तब यूज़ होता है जब मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसका नाम है MMID, ऑप्शन सी। IMEI में ई का मतलब क्या है, तो इक्विपमेंट, बी। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स बिजनेस का एडवांटेज नहीं है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई दुकान खुली है या फिर कोई स्टोर खुला है कि नहीं, सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलेंगी और सेम बात बेचने वाले के लिए भी ट्रू होगी कि उसे पोटेंशियल कस्टमर तलाशने नहीं होंगे, कस्टमर ऑनलाइन खुद उनके पास रिक्वेस्ट भेजता है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट यहाँ से डिसएडवांटेज होगा क्योंकि
ये तो एडवांटेज नहीं हुआ कि आपको इसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ए। और बाकी लोकेशन इंडिपेंडेंट, लोकेशन इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया कि चाहे वो यूज़र हो या फिर सेलर, उसको लोकेशन से कोई मतलब ही नहीं होता है, सारी सुविधाएं ऑनलाइन है। कन्वीनियंट ग्लोबल रीच, अलग अलग देशों में व्यापार संभव है, ये भी है। अनलिमिटेड बिजनेस आवर्स, कोई कितने भी समय रिक्वेस्ट भेज सकता है अपने सामान को प्राप्त करने की। तो ये तीनों एडवांटेज हैं, ए यहाँ से डिसएडवांटेज है। एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होती है वो किस काम आती है, तो डेटा को सॉर्ट करने में भी यूज़ होती है, डेटा को अरेंज करने में भी, और न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने में भी, तो तीनों काम को करने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी ऐसी वॉल है जो कि आपकी इस बात के लिए हेल्प करती है कि आपका जो कंप्यूटर है उसे कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे, यानी कि कोई इलीगल तरीके से आपके कंप्यूटर को ना एक्सेस कर पाए, इससे कंप्यूटर की रक्षा होती है और प्राइवेसी की भी, तो इसका नाम है फायरवॉल। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। इसके बाद कौन सा ऐसा कीवर्ड है या फिर कौन सा ऐसा फीचर है जो कि किसी यूज़र को प्रिवेंट करता है किसी ऑब्जेक्ट को मिटाने से, इसका यूज़ अगर कर लिया तो कोई यूज़र किसी डेटा को मिटा नहीं सकेगा, तो इसका नाम है रीड ओनली, फॉर एग्जाम्पल रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट का मोड है, तो ये है नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन डी। उसके बाद 18 नंबर में पूछा है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर होंगे वो एक दूसरे को डेटा नहीं भेज पाएंगे। अगर कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो वो एक सेंट्रलाइज डिवाइस को डेटा भेजेगा पहले, और उसके बाद वो डिवाइस आगे उस डेटा को डेस्टिनेशन में फॉरवर्ड करेगी, तो ये है स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद 19 नंबर में पूछा है कि एमएस पावर पॉइंट में अगर आपको नई प्रेजेंटेशन चालू करनी है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो आप उसमें यूज़ करेंगे कंट्रोल एन, यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको सारी स्लाइड में सेम बैकग्राउंड लगाना है तो कौन सा इसमें कीवर्ड यूज़ करेंगे, अप्लाई टू ऑल, ऑप्शन बी। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। इसके बाद आप ये कमेंट करके बताइएगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पापा वीडियो हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में अलग अलग कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर, आपको कितना फ़ायदा हुआ है, कितने क्वेश्चन हमारे उन वीडियो से आए हैं डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी सेक्शन के बारे में। तो हिंदी सेक्शन में पहला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें हमसे अनिवार्य का विपरीतार्थक यानी कि अपोजिट पूछा है। अनिवार्य का मतलब होता है कि जो काम आपको करना ही करना है, आपकी कोई चॉइस नहीं बनती है कि आप चाहें तो ना करें, लेकिन अगर आप वैकल्पिक में देखेंगे तो आपको काम करना है कि नहीं वो आपके ऊपर होता है, कोई कंपल्सन उसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वैकल्पिक। उसके बाद सही स्पेलिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए, तो कर्तव्य निष्ठा आप समझ गए होंगे कि इसी शब्द की बात कर रहे हैं चारों ऑप्शन में, तो वो इस तरीके से लिखते हैं जैसा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, कर्तव्य अलग और उसके बाद निष्ठा ऐसे। उसके बाद वन वर्ड के रिगार्डिंग एक सवाल आ गया, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ, ए। उसके बाद फूल किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि गेंदे का भी फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है, फूल के कई सारे टाइप होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। इसके बाद ऑड वन आउट बताना है 25 नंबर में। ऑड वन आउट क्यों, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि तीन समान लिंग के हैं, मतलब तीन का लिंग एक जैसा है, चौथे का अलग है, तो अगर आप कविता मिठाई और प्यास की बात करेंगे तो सभी स्त्रीलिंग हैं लेकिन पहाड़ पुरलिंग है, तो ये यहाँ से ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन बी। 26 नंबर में एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ की अगर हम समरी की बात करें तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। इसमें डायरेक्टली बताया जा रहा है कि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा समय होता है जीवन का जिसमें आप अपने आने वाले भविष्य का अच्छा निर्माण भी कर सकते हैं और आप चाहें तो सब कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपको अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन को अपने अंदर इनकलकेट कर लिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उस समय दिखानी होती है हमारे टीचर्स को, ताकि हम लोग
जैसा चाहें वैसे बन सकते हैं अगर आप फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था। तो इसका आंसर वही है जैसा मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन इनकलकेट करवाना है, यानी कठोर अनुशासन का पालन करना सीख जाएं छात्र, ताकि अच्छे संस्कार उनमें आ सकें। ऑप्शन बी। 27 नंबर में अकर्मक क्रिया बतानी है, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व ना हो। तो दिखाना, तो ऑब्जेक्ट तो इन्वॉल्व है ही है, क्या दिखाएंगे आप? खुजलाना, किस चीज़ को खुजलाएंगे आप? ऑब्जेक्ट है इसमें। हटाना, किसी ऑब्जेक्ट को हटाएंगे आप, लेकिन हंसने में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर है। उसके बाद कौन सा ऐसा है जो कि पुल्लिंग नहीं है, यानी कि या तो न्यूट्रल जेंडर का है या फिर वो स्त्रीलिंग है। तो गुस्सा, बचपन, हीरा, ये सब पुल्लिंग है, जबकि संतान स्त्रीलिंग है। आप ऐसे कहते हैं उसकी संतान, उसका संतान नहीं कहते, इस वजह से ए यहाँ से ऑड वन आउट हो गया। उसके बाद उच्चारण का संधि विच्छेद, तो पहले आप उत लिखते हैं फिर चारण, जैसा ऑप्शन डी में बी में लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन बी। नील कमल में समास का टाइप आप बता दीजिए क्या होगा? तो नील कमल में कर्मधारय समास यहाँ पे लगता है, ऑप्शन बी। उसके बाद 31 नंबर में एक मुहावरा है, घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करना, जैसे अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है तो आप किसी को फेस नहीं कर सकते, वैसी सिचुएशन होना, शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी। चिरायु शब्द में उपसर्ग बताइए क्या होगा? तो चिरायु शब्द में जो उपसर्ग है वो है चिर, ए यहाँ से करेक्ट है। इसके बाद एक कबीर का दो सॉरी रहीम का दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? तो अलंकार की इसमें बात करें तो श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें, ए। ज्येष्ठ का तद्भव बता दीजिए, तो ज्येष्ठ का तद्भव हो जाएगा जेठ, ए। 35 नंबर से इंग्लिश सेक्शन की शुरुआत होती है, तो इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन होगा 35 नंबर, जिसमें एक एनालॉगी हमसे पूछी है, जिस तरीके से वोसीफेरस का संबंध नॉइजी के साथ है, तो इनट्रांसिगेंट का संबंध किसके साथ होगा? देखिए, वोसीफेरस और नॉइसी में अगर आप बात करेंगे तो दोनों का मतलब शोर शराबा करना है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाना है, लेकिन इनट्रांसिगेंट यानी अड़ियल, अड़ियल का हो जाएगा स्टबर्न, ऑप्शन डी। 36 नंबर में यहाँ पे बता दीजिए सिंपल पास्ट, तो सेंटेंस की अगर हम बात करें तो विनय हियर्स अ स्ट्रेंज नॉइज ड्यूरिंग द नाइट, रात में विनय को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, तो यहाँ पे आती थी से रिप्लेस अगर हम कर दें तो बात बन जाएगी, विनय हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट। तो ये यहाँ से मतलब हो जाएगा कि उसको आवाज़ें आती थी, सी यहाँ से करेक्ट होगा। इसके बाद 37 नंबर में वन वर्ड है जिसमें हमें बताना है फियर ऑफ क्लाउन, तो फियर ऑफ क्लाउन में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से इसमें हो जाएगा 37 नंबर में कोलरोफोबिया, यानी कि ऑप्शन डी, डी यहाँ से करेक्ट होगा। इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है कि अन्नू दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट हेड डैश हर डैश ट्राइड हर बेस्ट, अन्नू के पास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के उतने साधन नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपना बेस्ट दिया, तो अपना बेस्ट दिया इसके बावजूद, तो इसके बावजूद के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? तो नेवर द लेस, ऑप्शन बी। उसके बाद अनएसेसिएबल, इसका सिनोनिम बताइए, यानी पर्यायवाची बताइए कि जो इसके सिमिलर मीनिंग रखता हो वो बताइए। तो इसका हो जाएगा इनविंसिबल, यानी कि जिसको हराया ना जा सके, सी। फिर आ जाते हैं 40 नंबर पे, इसमें आप करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए, तो 40 नंबर में जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ब्लैटेंट, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। बाकी क्यूमुलेटिव की गलत है, बेनोवेलेंट की गलत है और प्रिजम्पशियस की गलत है। उसके बाद एक और बार फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। द एंशियंट फाउंटेन वॉज हिडन डैश द ट्रीज, पुराने टाइम का जो झरना है वो किनके किनके बीच में छुपा है? तो वो छुपा हुआ है पेड़ों के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में, ये बात दिखाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? तो अमंग, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। डायरेक्ट स्पीच आपको गिवन है, इनडायरेक्ट में बदलिए। स्पीच कुछ इस तरीके की है कि मिस्टर माथुर सेड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मिस्टर माथुर सेड ही जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ऐसा बोलते समय मिस्टर माथुर फील क्या कर रहे हैं, क्या वो गुस्से में हैं, क्या वो खुशी जाहिर कर रहे हैं या फिर वो न्यूट्रल हैं। तो जब कुछ ना पता चले तो सेड का सेड ही रखता है, और ये सब चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट से, और वो वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर माथुर सेड दैट ही वॉन्टेड टू मीट माई पेरेंट्स। 43 नंबर में एक और बार फिल इन द ब्लैंक्स, दैट व्हाइट हाउस ओवर देयर डैश बिलोंग टू माई फैमिली। जो उधर व्हाइट हाउस था कभी मेरी फैमिली का हुआ करता था, तो कभी हुआ करता था इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा, तो यूज्ड टू ऑप्शन ए। एक और बार फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डैश बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 ईयर्स अगो। 30 साल पहले इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी चिड़िया हुआ करती थी इस समय उससे कम है, तो उससे कम है इस बात को दर्शाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो आप इसमें यूज़ करेंगे फ्यूवर, ऑप्शन सी। एक और बार फिल इन द ब्लैंक्स, द कोल्ड वेदर हैज़ रियली डैश हर हेल्थ। ठंडे मौसम ने उसकी सेहत पे बुरा प्रभाव डाला, तो इसके लिए कौन सा कीवर्ड, तो यूज़ करेंगे आप अफेक्टेड, ऑप्शन बी। एक मुहावरा है 46 नंबर में, जंप अपॉन दी या जंप ऑन दी बैंड वैगन। इसका मतलब होता है कि कोई नया ट्रेंड चल रहा है उसे ज्वाइन कर लेना, जैसे टिकटॉक पे वीडियो बनाने का जो ट्रेंड है वो इस समय नया है, बहुत लोग उसे ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा कुछ, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, ऑप्शन सी। स्पेलिंग का सवाल देखिए 47 में, तो जो वर्ड है वो आपको समझ में आ रहा है सेक्रिलीजियस, तो कैसे उसको लिखा जाएगा, तो उसे वैसे लिखा जाएगा जैसे ऑप्शन बी में लिखा है, सेक्रिलीजियस बी। 48 में एरर डिटेक्शन है, तो सेंटेंस पढ़ते हैं, यू ड्रिंक चॉकलेट मिल्क आइदर हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द समर। तो हॉट की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से तीसरे पार्ट में एरर है, यानी कि ऑप्शन सी तीसरा पार्ट। एक और बार फिल इन द ब्लैंक्स, दे से दैट अ न्यू बेबी इज डैश एवरी 5 मिनट। हर 5 मिनट में दुनिया में एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होता है इस बात को आप कैसे दिखाएंगे, बॉर्न लिख के। ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। इसके बाद आप यहां से एक्सपीडेंसी का सिनोनिम यानी पर्यायवाची बता दीजिए, तो इसके पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो कन्वीनियंस हो जाएगा, यानी अपनी सुविधा के अनुसार, एक्सपीडेंसी, ऑप्शन बी। डिम्यूर का यहाँ पे एंटोनिम बता दीजिए, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बता दीजिए जो इसके अपोजिट होगा। तो 51 में अगर आप बात करेंगे तो डिम्यूर का हो जाएगा एरोगेंट। डिम्यूर का मतलब होता है वेरी डाउन टू अर्थ, जो मिलनसार टाइप का व्यक्ति होता है, लेकिन एरोगेंट मतलब घमंडी स्वभाव का व्यक्ति, ऑप्शन सी। 52 में एक बार फिर फिल इन दी ब्लैंक्स, द सेल्समैन वॉज डैश ट्रेवलिंग अप एंड डाउन दी कंट्री। तो जो सेल्समैन है पुराने टाइम पे पूरे देश में भ्रमण किया करता था, तो किया करता था यानी यूज्ड टू होगा, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 53 नंबर में एक बार फिर से स्पेलिंग बता दीजिए, तो स्पेलिंग यहाँ से करेक्ट हो जाएगी प्रूटिनैकल की, प्यूरिटेनिकल की माफ़ कीजिए, तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, प्यूरिटेनिकल, ऑप्शन ए। उसके बाद हिट द नेल ऑन द हेड, यानी सही जगह पे वार करना, मौका देख के चौका मारना। इसका मतलब होता है कि चीज़ एकदम सही कह देना या कर देना, टू डू समथिंग और से समथिंग विच इज़ एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन बी। इसके बाद एक और बार फिल इन दी ब्लैंक्स, द थीफ वर इक्विप्ड विद डैश की टू बी द सेफ। चोरों ने सेफ्टी के लिए कौन सी चाबी चुरा ली, तो जाहिर सी बात है डुप्लीकेट चाबी चुराएंगे ये लोग, ऑप्शन सी। एरर डिटेक्शन का एक और सवाल, ईच ऑफ दिस 3 रोड लेड टू द रेलवे स्टेशन। तो ईच ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब दो चीज़ों की बात हो, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ टू होता तो करेक्ट होता, तो दो जहाँ पे है वो रॉन्ग माना जाएगा, तो 56 का हो जाएगा यहाँ से बी, यानी कि जिसमें सेकंड को इन्होंने गलत माना है। 57 में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉलिंग की जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो आई कॉलिंग हर ऑफिस एट 4 o'clock यस्टरडे आफ्टरनून, मतलब मैंने कल कॉल की थी ना, बीते हुए कल में, तो कॉलिंग ना लिख के कॉल्ड लिखेंगे, बिकॉज पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है मतलब, तो कॉल्ड यानी कि ऑप्शन सी।
उसके बाद 58 में एक और बार FIB। डीजल कार इज़ यूजुअली मोर डैश देन अ पेट्रोल वन, यानी डीजल से चलने वाली कार सस्ती पड़ती है। सस्ती पड़ने का जो कीवर्ड है वो है इकोनॉमिकल ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे एक कीवर्ड अंडरलाइन किया गया है जो कि है बिफोर। इसमें इसका टाइप बताना है, कौन सा टाइप है ये। तो ये प्रिपोजिशन है क्योंकि ये दो अलग अलग शब्दों को जोड़ रहा है, मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ के एक मीनिंगफुल वाक्य बना रहा है। यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 आवर्स डैश योर फ्लाइट, फ्लाइट के 4 घंटे पहले। तो प्रिपोजिशन है ऑप्शन ए। उसके बाद 60 नंबर में हमें बताना है फिर से FIB। दे स्टे इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स, हमारे घर के बगल में जो होटल है वहाँ पे ये लोग रहते हैं या फिर कह लीजिए रहते थे। तो यहाँ पे या तो वर स्टेइंग जाएगा या तो आर स्टेइंग। आर स्टेइंग यहाँ पे है नहीं, तो वर स्टेइंग यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद एक्टिव पैसिव का सवाल। द बुक बैंकिंग डिलाइट वॉज पब्लिश्ड बाई द पेंगुइन रैंडम हाउस, एक पब्लिकेशन है पेंगुइन रैंडम हाउस, इन्होंने एक बुक को छापा है जिसका नाम है बुक बैंकिंग डिलाइट। तो इन्होंने छापा है तो इसका रिप्लेसमेंट जाएगा कि इनके द्वारा ये बुक छापी गई है, यानी पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिश्ड द बुक बैंकिंग डिलाइट, इनके द्वारा छापी गई है, ऑप्शन डी। टू किल द फैटेड काफ, यहाँ पे एक मुहावरा आ गया हमारे सामने, इसका मतलब हो जाएगा खुशियाँ मनाना, टू सेलिब्रेट, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। 63 में फिर से एरर डिटेक्शन, यहाँ पे देखते हैं एरर डिटेक्शन नहीं है, मतलब इनको कंबाइन करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसकी ट्रिक ये होती है कि अगर किसी का नाम है तो उसको पहले रखिए। अनन्या केम ओवर, अनन्या हम लोग के पास आई और उसके बाद एंड वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड कर लिया क्या अपनी कार को यूज़ करने के लिए। तो तीसरे के बाद पहला, उसके बाद पांचवा, ये कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है कंडेम्न, इसका एंटोनिम बताइए। कंडेम्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना, तो इसका हो जाएगा क्षमा कर देना, यानी पार्डन, ऑप्शन बी। उसके बाद एरर डिटेक्शन है 65 में, अ फायर हैज़ ब्रोक आउट, तो बस पता लग गया फायर हैज़ ब्रोकन आउट होगा। तो दूसरे में एरर है, दूसरा कहाँ पे है, तो दूसरा हो जाएगा इसमें अगर आप देखें तो बी में, तो बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 66 में इस टेसी का सिनोनिम बताइए, यानी इसका पर्यायवाची। तो 66 में अगर हम देखेंगे, इस टेसी का मतलब होता है खुशियां मनाना, यानी डिलाइट, ऑप्शन ए। उसके बाद इंट्रिपिड का भी सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताइए। तो इंट्रिपिड में अगर आप बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा वेलियंट, ऑप्शन बी। 69 में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे नाउन और वर्ब दोनों की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा परमिट, ऑप्शन बी। बिकॉज परमिट ऑटो टेम्पो का भी होता है या फिर किसी भी व्हीकल का ऑल इंडिया परमिट, और परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना, तो एक नाउन है दूसरा वर्ब, ऑप्शन बी। 70 नंबर बात करते हैं, द नेशंस डैश हैज़ मेड 2 एंड इवन 3 कार्स फैमिली द नॉर्म, कि नेशन की ऐसी कौन सी खासियत है जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे हर फैमिली में 2 से 3 कारें जरूर हैं। तो नेशन की एफ्लुएंस, यानी वहाँ के लोग कितने अमीर हैं ये पता चलता है, एफ्लुएंस, ऑप्शन सी। फार क्राई फॉर्म, ये यहाँ पे एक ईडियम है, मुहावरा है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से वो पर्सन जो सबसे अलग है, ऑप्शन बी, वो पर्सन या कोई चीज़। 72 में यहाँ पे एक और बार FIB, तो दे स्टैंड डैश क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के खिलाफ जो क्राइम है उसके लिए इन्हें क्या ठहराया गया, तो दोषी ठहराया गया, एक्यूज्ड ऑफ, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बी। कॉमिटी का अपोजिट क्या होगा, तो कॉमिटी का यहाँ पे अपोजिट यानी एंटोनिम बता दीजिए। तो कॉमिटी का मतलब होता है कि मिलनसार व्यक्ति, जो सबसे मित्रता करे, तो इसका मतलब हो जाएगा अपोजिट वाला होस्टिलिटी, सबसे शत्रुता करने वाला, ऑप्शन बी। इसके बाद एक और यहाँ पे मुहावरा है, हिट द सैक, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है सोने चले जाना, यानी टू गो टू बेड, इसमें जो है ए करेक्ट होगा।
इसके बाद स्पेलिंग का यहाँ पे सवाल देख लीजिए। तो ये जो वर्ड है शिलो शिलोट ऐसा करके है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो इसको वैसे लिखेंगे जैसे कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, SILHOUETEE, ऑप्शन बी। उसके बाद 76 में हमसे कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ही वॉज प्रमोट टू द रैंक ऑफ मेजर इन रिकग्निशन ऑफ हिज डैश ड्यूरिंग द बैटल। युद्ध के समय उसकी कौन सी क्वालिटी देखी गई कि उसको मेजर की पोस्ट उसके बाद दे दी गई, उसको प्रमोट कर दिया गया? तो बहादुरी देखी गई होगी, यानी वेलर, ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे डेट्रिटस, इसका मतलब क्या है? तो 77 में डेट्रिटस का मतलब होता है कूड़ा, करकट, वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन इसमें चला जाएगा सी। उसके बाद पैसिव वॉइस में बदलना है 78 में। 78 का जो सेंटेंस है वो है, आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, मुझे याद है कि मेरे पिता मुझे थिएटर ले गए। तो इसका करेक्ट होगा कि मेरे पिता द्वारा मुझे थिएटर ले जाया गया। इस तरीके का जहाँ पे मतलब निकलेगा वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें आई रिमेम्बर बींग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर, ये करेक्ट होगा ऑप्शन सी। आई एम टू नैकर्ड टू गो आउट इन द इवनिंग, मैं शाम को इतना थक गया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता था। तो थक गया के लिए आप यूज़ करेंगे टायर्ड, ऑप्शन बी। आई एम टू यानी नेगेटिव है कि मैं बाहर जाने लायक बचा ही नहीं, तो वो तब होगा ना जब थक गया होऊंगा, यानी टायर्ड। 80 में एनालॉगी है। एनालॉगी में रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि जो रिलेशन विलियम शेक्सपियर और वीनस और एडोनिस के बीच में है, वही रिलेशन विलियम वर्ड्सवर्थ और किसके बीच में है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ और फायर्स इन द गार्डन के बीच में है। यहाँ पे ये नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है कंप्लेंट, ये लिखी थी इन्होंने, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। उसके बाद 81 में एक बार फिर से स्पेलिंग का सवाल है, शिजोफ्रेनिया, इसको आप लिखेंगे SCHIZOPHRENIA, ऑप्शन डी के हिसाब से। उसके बाद 82 एरर डिटेक्शन का सवाल है, आर यू कमिंग और इज़ यू स्टेइंग एट होम, तो बस आपने पकड़ लिया इसे, इज़ यू नहीं होगा, या तो आप आर यू रखिए या तो कुछ भी मत रखिए, आर यू इन दोनों के लिए प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी कि सेकंड पार्ट में एरर होगा, बी। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे एरर डिटेक्शन का सवाल आ गया 83 में भी, आई ट्राई टू गेट द सर्जन टू इलिसिट दैट सीट जस्ट नीडेड टाइम। तो जस्ट नीडेड टाइम से कोई सेंस नहीं बना, इस वजह से दो में एरर हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। 84 में इमेशिएटेड, इसका यहाँ पे बताना होगा हमें सिनोनिम यानी पर्यायवाची, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पुलेंट, डी करेक्ट होगा आयोग के हिसाब से। अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वेस्ट और डेड बॉडीज़ को खा के जीवित रहते हैं, और इनकी कैटेगरी में माइट्स और अर्थवर्म ये दोनों ही आते हैं? तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डेट्रीवोर्स, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। कौन से ऐसे टाइप की मिट्टी है जो कि ग्रेविटी के द्वारा इधर से उधर जा सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है? तो इस टाइप की मिट्टी का नाम है कोलोवियम सॉयल, ऑप्शन बी। इंडिया हैज़ सक्सेसिवली पास्ड थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जितने भी फेज थे इंडिया ने उनको पार कर लिया है, एंड इज़ नाउ वाइडली बिलीव टू हैव एंटर्ड द फाइनल फेज, और अब ये फाइनल फेज में आ चुका है इंडिया। और इस फाइनल फेज में अगर आप बात करें तो कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा कमी आ रही है, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा कमी आएगी फर्टिलिटी में, तभी लोग गांव से शहर आ रहे हैं क्योंकि सॉइल फर्टाइल है नहीं, तो खेती करके उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए जॉब की तलाश में वो अर्बन एरियाज़ की तरफ रुख कर रहे हैं, ऑप्शन सी। अर्बनाइजेशन की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो सबसे पहली है अ गारंटीड हाई क्वालिटी लाइफ, किसी की लाइफ की क्वालिटी अच्छी है कि ख़राब है ये कभी कभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर जाता है, कोई अच्छे से रहते हुए भी अगर ये ना माने कि हम अच्छे से रहते हैं तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए गारंटीड आपको हाई क्वालिटी लाइफ मिलने नहीं वाली, ऑप्शन ए।
बाकी अगर आप देखें शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ऑक्यूपेशन लाइक सर्विसेज एंड इंडस्ट्री, गांव में जहां लोग खेती करते हैं वहीं शहर में नौकरी करते हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, ये बात तो है। दूसरा है सीम है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये तो बेसिक बात है, अर्बनाइजेशन में होता तो यही है। उसके बाद शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, ये तो बिल्कुल बी जैसी बात हो गई, तो तीनों सही हैं, बस ये गलत है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव सिंड्रोम फोर्सेस ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड माइग्रेशन, गरीबी की वजह से लोग जो गांव छोड़ के शहर जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तीनों ही। ऑप्शन डी ग्लोबलाइजेशन, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री जो विदेश से आती हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आती हैं, जिससे गांव वालों को वहां जाके काम करने का मौका मिलता है। लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्री को हमने भारत में आने कैसे दिया, ये लिबरलाइजेशन में ये सब दिया हुआ है। प्राइवेटाइजेशन, वो प्राइवेट इंडस्ट्री तो होती हैं, सारी सरकारी तो होती नहीं है। उसके बाद 90 में हम लोगों से पूछा हुआ है कि इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है उनमें सबसे आखिर में कौन आते हैं, और उसके एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब, वायरस नहीं, ये दोनों शामिल होते हैं, तो ये तो डिकम्पोजर्स होते हैं ना सब के सब। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना है, ये बात निकालने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी मैटर करती है क्योंकि भोजन सब इसी पे डिपेंड करता है, मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर और माइग्रेशन यानी कौन कहाँ कैसे शिफ्ट हुआ। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, सभी चीज़ें मैटर करती हैं। इन एन ओवर सिंप्लीफाइड कंसेप्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड, स्नेक्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, फूड चेन में जो स्नेक हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, तो उनकी पोजीशन एज अ सेकेंडरी कार्निवोर होती है, क्योंकि प्राइमरी कार्निवोर में मेंढक आ जाता है जो ग्रास हॉपर यानी कि जो घास खाते हैं कीड़े उनको खा जाता है, तो पहले कीड़ों को खा चुका है ना वो मेंढक, उसके बाद मेंढक को खाने सांप आएगा, तो सेकेंडरी कार्निवोर, ऑप्शन डी। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया कैन बी हाईलाइटेड एज, ये लगभग वही सवाल है जो कि हम लोग अभी अभी करके आ रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पहला है मैसिव ग्रोथ ऑफ स्लम यानी झोपड़पट्टियों का अत्यधिक हो जाना, तो ये तो होगा ही क्योंकि शहरों में जो घर हैं उनकी संख्या लिमिटेड है और किराएदार भी लिमिटेड ही रखे जा सकते हैं, इस वजह से जो बाकी के लोग हैं जो ज़बरदस्ती जॉब की तलाश में शहर की तरफ रुक कर रहे हैं वो झोपड़पट्टी बना के ही तो रहेंगे, तो अगर अत्यधिक अर्बनाइजेशन होगी तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो होगी। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्ट्रांग इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक बेस इससे स्ट्रांग हो जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं है, जो स्ट्रांग बेस होगा इंडस्ट्री का वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि कौन कौन से पैरामीटर वहाँ पे हैं, तो ये सब्जेक्टिव बात है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ये गलत। पुअर क्वालिटी ऑफ अर्बनाइजेशन ये होगा, क्वालिटी तो ख़राब हो ही जाएगी अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग शहर में आ जाएंगे, तो लाइफ की क्वालिटी उनकी ख़राब होगी, ना तो सही से खा पाएंगे ना रह पाएंगे। अर्बनाइजेशन अकर ड्यू टू अर्बन पुल, अर्बन पुल के कारण अर्बनाइजेशन होता है क्या, तो नहीं। अर्बन पुल यानी शहर की तरफ आकर्षित होना, तो आकर्षित नहीं होता है कोई भी वो जॉब की तलाश में जाता है, तो ये भी गलत है। तो 93 में करेक्ट होगा कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही, बाकी सब गलत, यानी कि ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 3। इनमें से कौन सा देश है जिसके सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश हैं, तो 98 नंबर में हमें चार देश अलग अलग दिए हुए हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, कनाडा और चाइना, तो सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश होंगे चाइना के, ऑप्शन डी। टोर्नेडो या फिर बवंडर क्या होता है, तो ये एक फनल इस तरीके की शेप का होता है जिसमें अगर कोई चपेट में आ गया तो बहुत ज़्यादा उसको लॉस होगा, और इस तरीके के क्लाउड उसमें देखने को मिलते हैं, पावरफुल वर्लिंग विंड्स अकम्पनीड बाई फनल शेप्ड क्लाउड, ऑप्शन ए। द नेम गिवन टू द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन सरफेस वाटर, अगर किसी महासागर की सरफेस का पानी गर्म हो गया है
और ये चीज़ अगर इक्वेडोर और पेरू के कोस्ट में देखने को मिलती है तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? तो एल नीनो कहेंगे इसे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। कौन सा ऐसा टाइप का क्लाइमेट है जो इन सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करता है? पहला पॉइंट है सूटेबल फॉर ग्रोइंग मॉसेस लाइकेंस एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो ऐसे पौधे उगाने के लिए ये सूटेबल होता है जो आगे चल के आपको फूल देते हैं, और काई और कवक इसमें उगाते हैं यानी फंजाई, यानी मशरूम एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। दूसरा है रीजन ऑफ प्रेमा फ्रोस्ट वेयर सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। सॉइल की जो नीचे वाली सतह है वो हर समय बर्फ़ जमी रहती है उसमें, ड्यूरिंग समर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डेलाइट। अगर गर्मी पड़ रही है उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में तो दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट। वहाँ पे जो आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वो बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे पौधे ही देखने को मिलेंगे। तो इन सारे पॉइंट को जो सेटिस्फाई करता है उसका नाम है टुंड्रा क्लाइमेट, ऑप्शन बी। उसके बाद है आर्किपेलागो का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है द्वीप समूह, बहुत सारे आइलैंड मिला के जो जगह बन जाती है उसे ही कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट लाई इन फेयरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन बी। उलूरू का मतलब क्या है? तो उलूरू नाम दिया गया था ऐसे रेतीली पत्थर को जो कि ऑस्ट्रेलिया के एकदम बीच में पाया जाता है, इसका नाम है उलूरू। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट को जो कोपेन स्कीम के तहत क्लासिफाई किया जाता है उसके हिसाब से कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करने होते हैं ह्यूमिड कंडीशन को बताने के लिए? तो 104 नंबर में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है जंगल में वो भी चलेगा, और ठंडा क्लाइमेट भी चलेगा यानी ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट और कोल्ड। तो 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा सी। 104 का करेक्ट हो जाएगा सी। 105 देखते हैं कि जो देश है ब्राज़ील वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये आता है साउथ अमेरिका में, ऑप्शन सी। पृथ्वी के ऊपर सबसे लोवेस्ट प्लेस कौन सी है? तो ये डेड सी है, वहाँ पे आप चाहें तो बढ़िया आराम से जाके डूबे हुए रह सकते हैं, ऐसा लगेगा बाथ टब में बैठे हुए हैं आप, ऐसी फीलिंग आएगी नहीं कि आप समुद्र में हैं। इवन इंडिया में अगर कोई नदी में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको डूबने का खतरा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डेड सी, ऑप्शन सी। 25 सितंबर 2019 को इनमें से कौन है जिनको IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD बनाया गया था? तो इनका नाम है क्रिस्टलिनिया जॉर्जिवा, ऑप्शन बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीसेंट इनोवेटिव इनिशिएटिव बाई PM मोदी अलॉन्ग विद UN चीफ एंटोनियो ग्यूरेस एंड अदर वर्ल्ड लीडर एट UN। UN में उनके चीफ को मिला के बाकी नेताओं के साथ में मिलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा इनिशिएटिव चलाया है जिससे आगे जाके 150 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो इस इनिशिएटिव का नाम है गांधी पीस गार्डन, इसमें 150 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, ऑप्शन सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉलेस्ट टावर ऑफ श्रीलंका दैट अनवील्ड इन कोलंबो सिटी इन सितंबर 2019? सितंबर 2019 में श्रीलंका में सबसे बड़ा टावर बनाया गया है कोलंबो शहर में, इसका नाम क्या है? तो 109 नंबर का करेक्ट आंसर होगा लोटस टावर, ऑप्शन ए। द फोर्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2019 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी चौथी वाली साल 2019 में? तो इस जगह का नाम हो जाएगा यहाँ से माले, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन -2019, कौन सी ऐसी तारीख है जहाँ पे UN ने वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी के खिलाफ प्रदर्शन करने और अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया था? तो ये कब हुआ था? 30 जुलाई को, July 30th, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था, तो बताना है कि वो तारीख क्या थी?
तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिवस के मौके पे 29 अगस्त को, ऑप्शन बी। उसके बाद एक चैनल है जो कि एजुकेशन को प्रमोट करता है, इसका नाम है कालवी कालवी थोलाई काची। कौन से इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री ने इस चैनल को लॉन्च किया है? तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। इनके मुख्यमंत्री ने इस पर्टिकुलर चैनल को लॉन्च किया था। 114 नंबर में है कि रशिया ने अभी अभी 2019 में अगस्त में स्पेस में एक मिशन भेजा है जो कि एक रोबोट है, इसका नाम बताना है आपको। तो इसका नाम यहाँ पे आयोग के हिसाब से जो लिखा हुआ है वो है स्काईबॉट B830, जो कि गलत है। इसका प्रूफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसको आप अभी क्लेम कर सकते हैं। 29 जून 2019 को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया था। उसकी थीम क्या रखी थी? तो उसकी थीम रखी थी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंडिया के, उनको एज अ थीम यूज़ कर लिया था इस पर्टिकुलर दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इनमें से कौन है जिनको FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रेसिडेंट घोषित किया गया है? तो इनका नाम है शरद कुमार सर्राफ, ऑप्शन बी। 24वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो कि 9 से 12 सितंबर 2019 को हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये? इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बतानी है, तो ये दुबई के अबू धाबी में हुई थी, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा देश है जिसकी पहली रैंक आई है IMD द्वारा जारी की जाने वाली वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 में? कई बार एग्जाम में इंडिया का स्थान पूछ लेते हैं, तो आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहली रैंक लाया था वो देश है USA। बहुत जगह पे इनकी पहली रैंक आती है, तो यहाँ भी आई थी, ऑप्शन ए। इनमें से कौन से ऐसे IPS हैं जिन्हें अगला डायरेक्टर जनरल बनाया गया है BSF का, और ये ज्वाइन करेंगे जुलाई 2019 से? तो इनका नाम है VK जौहरी, जिनको BSF का DG बना दिया जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें से कौन है जिन्होंने पीपल चॉइस प्राइज जीता था इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग चैंपियनशिप 2019 में, जो कि US के बॉस्टन शहर में आयोजित की गई थी? यानी बालू का यूज़ करके आपको मूर्तियाँ बनानी थी, और यहाँ पे इन्होंने पीपल चॉइस प्राइज अवार्ड जीता था। तो इनका नाम हो जाएगा यहाँ से सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 से हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। तो पहला क्वेश्चन एनालॉगी चैप्टर से है, जिसमें हमसे पूछा है कि जिस तरीके से तर्कश का संबंध तीर के साथ है, तो म्यान का किसके साथ होगा? तो हम सभी को पता है कि जितने भी तीर होते हैं वो तर्कश के अंदर स्टोर किए जाते हैं, तो म्यान के अंदर किसको स्टोर करेंगे आप? तो तलवार को। तलवार यहाँ पे कहाँ पे है? ऑप्शन डी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। अगर आप सीरीज में बात करेंगे तो शुरुआत हुई है 3 डिजिट के नंबर से, अंत भी 3 डिजिट के नंबर से हुआ है, और चारों ऑप्शन में भी 3 डिजिट हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस अगर हम लें तो शायद हमारी बात बन जाए। 171 और 125 के बीच में अंतर है होगा 46 का, 263 और 171 के बीच में होगा 92 का, उसके बाद इन दोनों के बीच में 401 और 263 के बीच में 138 का, उसके बाद 585 माइनस 401 यानी 184, 46 से 92 2 से गुणा करके बनता है, 138 बनता है 3 से गुणा करके, और 184 बनता है 5 से गुणा करके। तो पहले 46 का गुणा 2 से हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से हो गया, तो अब की बार 5 से होगा, और 46 गुणे में 5 देखने को मिलेगा हमें 230, बिकॉज अगर हम 10 से करते तो 460 होता, 5 से किया तो आधा होगा 230। तो 585 में इसको जोड़ देंगे, तो 585 प्लस 200 यानी 785, 30 और जोड़ देंगे तो 815 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे सवाल आ गया। 6 लोगों की बात हो रही है जिनके नाम है ए से लेकर एफ तक, और वो राउंड टेबल में बैठे हुए हैं एक दूसरे को देखते हुए। तो एक राउंड टेबल बनाएंगे और उसके बाद 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये राउंड टेबल बन गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग यहाँ से बैठ चुके हैं। ऊपर अगर हम देखेंगे
इंस्ट्रक्शन है सी इज एट द फोर्थ प्लेस फ्रॉम इज राइट। अगर ए को मैं यहां मान लूं और ए यहां पे देख रहा है तो उसकी राइट हैंड साइड यही तो होगी, आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं। यहां से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चौथी पोजीशन पे सी आ जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट होती है। एफ इज एट द इमीजिएट राइट ऑफ ए, ये ए है इसका इमीजिएट राइट ये है, एफ आ जाएगा यहाँ पे। सी इज बिटवीन बी एंड डी, तो ना बी पता है ना डी पता है, लेकिन सी इन्हीं दोनों के बीच में है। आगे देखते हैं, ई इज बिटवीन बी एंड एफ, तो ये एफ है, बी अगर हम यहाँ रख दें तो इनके बीच में ई आ गया, और सी किन के बीच में था, तो बी और डी के बीच में, तो डी यहाँ पे आ गया। ये सब हमने अरेंज कर लिया इनको। अब देखते हैं, पूछा है हमसे कि कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कौन सा गलत है, बता दीजिए। पहला है सी इज़ एट द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये ए है और ये इनका एकदम बाएं है, एकदम बाएं पे आप देख रहे हैं डी बैठा है, जबकि इन्होंने सी बोला है, तो यही तो गलत हुआ ना। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बाकी आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। एफ जो है वो ए और ई के बीच में है क्या? एफ ए और ई के बीच में बिल्कुल है। डी जो है वो ए और सी के बीच में है क्या? ए सी के बीच में डी है बिल्कुल। डी ई के सामने बैठा है क्या? तो जी हाँ, दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो बाकी सब सही है, ए यहाँ से गलत है। उसके बाद 124 नंबर में हमें एक सीरीज दी हुई है और पूछा गया है हमसे कि कौन सा ऐसा लेटर, नंबर या फिर सिंबल है जो आपको तब मिलेगा जब पहली बात आप अपने दाएं से तीसरे लेटर, नंबर या फिर सिंबल को पिक कर लेंगे। तो ये आपकी दाई साइड है और ये यहाँ से तीसरा हो जाएगा फोर, उसके बाद यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो यहाँ से आपको इधर जाना है बाईं ओर और सातवां देखना है, तो आप चार पे वापस पहुँच गए। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा फोर, ऑप्शन ए। 125 नंबर में एक वर्ड है जो कि है प्रूडेंट, उसमें ऐसे कितने लेटर आपको देखने को मिलेंगे जिनके बीच में उतना ही गैप होगा जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गैप होगा। तो P से चालू करेंगे, P के बाद R, तो इनके बीच में Q का गैप है, वही तो होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, P, Q, R साथ में होते हैं, तो P के बाद R कब आएगा? जब Q छूट जाएगा, यहाँ पे भी Q छूटा हुआ है, तो ये पहला हो गया। उसके बाद आपको आगे नहीं मिलेगा, R के बाद यहाँ पे S छोड़ के T मिलेगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद T से इधर की तरफ जब आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे ऐसे दो सेट आपको मिलेंगे। सी यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी, मतलब दो करेक्ट हो गया। सिलॉजिज्म का सवाल देख लीजिए, 126 नंबर, इसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहा जा रहा है सम रैट्स आर रैबिट, तो ये रैट हो गए, इसका कुछ पार्ट ये रैबिट में आ चुका है। सम रैबिट्स आर मॉस्किटो, ये रैबिट का कुछ पार्ट मॉस्किटो में आ चुका है। पहला कंक्लूजन यहाँ से है, सम मस्किटो मस्ट बी रैट, मस्किटो और रैट के बीच में कुछ कॉमन है क्या? तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों इतने अलग थलग पड़े हैं, इस वजह से ये गलत होगा। ऑल रैबिट्स आर रैट, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि कोई एक सर्कल किसी सर्कल में पूरा नहीं आ रहा है, तो ऑल की रिलेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो दोनों गलत, कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, यानी नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन डी। उसमें अगला सवाल है इसके बाद 127, डेटा सफिशिएंसी का सवाल अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें पूछा हुआ है हमसे कि वॉक के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे आप। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि सी वॉक फास्ट का मतलब ये है, तो यहाँ पे सी के लिए इन तीनों में से कोई एक यूज हो सकता है, और उसी तरीके से वॉक और फास्ट के लिए भी इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन चूंकि हमें बताना है कि वॉक का एग्जैक्ट क्या होगा, इस वजह से पहले से तो अकेले आंसर नहीं निकलेगा और सेम टू सेम दूसरे से भी अकेले आंसर नहीं निकलेगा, जब इनको कंबाइन करेंगे तो वापस से देखते हैं, सी वॉक फास्ट और सी लर्न फास्ट, तो सी और फास्ट यहाँ से कॉमन हो गया, और ही का टू जो का ही, तो ही और का कॉमन हो गया, तो ही और का तो हम लोग फिक्स कर चुके हैं ना सी और फास्ट में से किसी एक के लिए, तो ऊपर बच गया वॉक जो कि टू के लिए फिक्स हो चुका है, तो आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन कैसे, इन दोनों को कंबाइन करके। तो ओवरऑल आंसर हमारा यहाँ से ये जाएगा कि पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट का डेटा चाहिए होगा हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन का एक सवाल रख लीजिए,
यहाँ पे सबसे पहले हमें डायग्राम कंप्लीट करना होगा। ए डिवाइड बाई बी, तो समथिंग डिवाइड बाई समथिंग का मतलब क्या है? पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, यानी कि जो पहला पर्सन है वो दूसरे वाले की मम्मी है। तो ए जो है यहाँ से बी की माता हो जाएंगी और ये फीमेल हो जाएंगी। बी का जेंडर फिलहाल डिसाइडेड नहीं है। उसके बाद बी प्लस सी, तो समथिंग प्लस समथिंग का मतलब है पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, यानी कि जो बी है वो सी का फादर है। ये फादर है इस वजह से मेल है, बाकी सी का जेंडर डिसाइड नहीं है। सी माइनस ई, समथिंग माइनस समथिंग का मतलब है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यानी कि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का भाई है। तो यहाँ से सी जो है वो ई का भाई हो जाएगा, इसलिए मेल हो जाएगा। ई का जेंडर फिलहाल डिसाइडेड नहीं है। ई इंटू एफ, तो समथिंग इंटू समथिंग का मतलब है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि ई जो है वो एफ की बेटी है। तो ई जो है बेटी है इस वजह से फीमेल, लेकिन वो सेम टाइम पे बी की भी तो बेटी है ना, तो जाहिर सी बात है कि बी और एफ आपस में पति पत्नी हो जाएंगे और एफ हो जाएंगी पत्नी। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए जो है वो एफ की कौन है? तो ए के हिसाब से हम बात करें तो बी इनका बेटा है, जबकि जो एफ है वो उस बेटे की पत्नी है। तो बेटी की पत्नी बहू होंगी और ए उनकी सास होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सास यानी मदर इन लॉ, ऑप्शन ए। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल रखिए। जिस तरीके से ब्रेकिंग को हमने ये लिखा है, तो मदरली को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो एम यहाँ पे है, तो शुरुआत एम से होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो ब्रेकिंग है उसके हम पार्ट कर लेंगे। हम बी आर ई ए अलग लिखेंगे और के आई एन जी अलग लिखेंगे। बी आर ई ए की जगह बी एफ एस सी यूज़ किया है हमने, तो ए से प्लस वन किया तो बी, ई से प्लस वन किया तो एफ, आर से प्लस वन किया तो एस, बी से प्लस वन किया तो सी। इस तरीके का रिलेशन है। तो हमारे सामने जो एम ओ टी एच है ना, उसको हम पहले लिखेंगे। एच से प्लस वन करेंगे आई, टी से प्लस वन यू, ओ से प्लस वन पी और एम से प्लस वन एन। आई यू पी एन आपको चाहिए, डी को हटा दीजिए, आई यू पी एन वहाँ नहीं है। उसके बाद के आई एन जी का हिसाब करते हैं। तो के आई एन जी में अगर आप देखेंगे तो एफ एम एच जेड ये है, तो जी से एफ एम एच जेड, तो जी से माइनस वन, अब की बार माइनस वन कर रहे हैं लगातार। तो ऐसे ही ई आर एल वाई, इसको लिख देंगे वाई से माइनस वन करेंगे तो एक्स। तो ध्यान रखिए आई यू पी एन के बाद तुरंत बाद आपको एक्स चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी में मिलेगा। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा लेटर, नंबर या फिर सिंबल है जो कि आपको कब देखने को मिलेगा? जब इस तरफ से आप आ जाएंगे सातवें पे, यानी इस तरफ से सातवें पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आर मिलेगा देखने को। उसके बाद इधर से जब आप आएंगे तो नवा नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्यू मिलेगा। आर और क्यू के बीच में आपको दिख रहा है 9 है, 9 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है, एनालॉगी पूछी हुई है कि जो संबंध इसके इसके बीच में है तो इसके और किसके बीच में वही संबंध होगा। तो पहले ये वाला फिगर है फिर ये वाला, यानी कि उलट दिया गया है, और पहली बार में प्रोजेक्शन अंदर की तरफ थे, अब की बार बाहर की तरफ हैं। तो अब की बार यहाँ बाहर की तरफ हैं, तो जो हमारा फिगर है उसमें प्रोजेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए। तो ए ऑप्शन कट, वहाँ प्रोजेक्शन बाहर है, बी भी कट, वहाँ भी प्रोजेक्शन बाहर है, और साथ ही साथ ऐसा है तो वैसा चाहिए, तो ऑप्शन डी भी कट, क्योंकि यहाँ पे ऐसे को ऐसा ही बना दिया, तो सी यहाँ से करेक्ट हो गया। वोकैबलरी का यूज़ करते हुए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आप नहीं बना सकते? तो कार बन जाएगा, केबल भी बन जाएगा, और केबल नहीं बनेगा, सी ए बी एल ई, क्योंकि ऊपर ई है कहाँ? जब ई नहीं है तो इसका मतलब आप नहीं बना सकते, क्योंकि बनाना ऊपर वाले लेटर को यूज़ करके ही था। केबल यहाँ से रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं शेयर करते हैं? तो पहली बात तो उन राज्यों को हटा दीजिए जो एकदम नहीं करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उसके अलावा पंजाब,
वही पंजाब इसमें भी है, तो ये तीन ऑप्शन कट, तो एक ही बच गया ए, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कौन कौन से करते हैं, तो राजस्थान, झारखंड, एचपी और छत्तीसगढ़, उसके अलावा एमपी भी करता है। इनमें से कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, तो यह है वाराणसी, ऑप्शन सी। चार सिरों का एक शेर है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल एम्बलम का दर्जा मिला हुआ है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये सारनाथ में होगा, ऑप्शन सी। इनमें से कौन है जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की स्थापना करी थी, तो ये थे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी निम्नलिखित में से कौन से शहर में होगी, तो ये है ऑप्शन बी, मथुरा में। उसके बाद 138 नंबर में मैच दी फॉलोइंग है, इसमें हमें बताना है कि कौन से शहर की कैसी खासियत है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मुरादाबाद लेदर के लिए फेमस नहीं है, लेदर के लिए कानपुर फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ियों के अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए प्रसिद्ध है यानी कांच के लिए, तो ये तो है। कानपुर ब्रासवेयर यानी पीतल के लिए नहीं, लेदर के लिए है। वाराणसी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए है, तो सिर्फ यहाँ से दूसरा करेक्ट होगा और चौथा यानी ओनली सेकेंड एंड फोर यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि टोटल इंडिया में 90% बनती है और बाहर जाती है, एक्सपोर्ट होती है। तो उत्तर प्रदेश की आपने ये खासियत देख ली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कारपेट बनती हैं 90% और बाहर जाती हैं, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों का हिसाब बताइए कि उनमें कितने मेंबर इलेक्ट होते हैं और कितने नॉमिनेट। तो उत्तर प्रदेश में एक बात तो ये है कि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, टोटल 404 हैं जिनमें 403 इलेक्ट होके आते हैं और एक को गवर्नर वहाँ के नॉमिनेट करते हैं, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर या फिर वहाँ की पहली गवर्नर कौन है, और ये उस टाइम की हैं जब उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो इनका नाम है यहाँ पे सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसके बारे में बताइए, तो पहली बात तो वो जो मेन हाई कोर्ट है उसका कैंपस इलाहाबाद में, लेकिन उसकी बेंच लखनऊ में बैठती है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कौन कौन से मिनरल प्रोड्यूस होते हैं इस बारे में हमें देखना है, तो उसमें लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मार्बल, ये तीन चीज़ें आती हैं, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पे टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, तो दुधवा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा जो कि लखीमपुर के पास में है, अमनगढ़ में देखने को मिलेगा, और उसके बाद में 145 नंबर का जो आंसर होगा वो पीलीभीत में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बात करेंगे साइंस सेक्शन के बारे में, तो मास, लेंथ और टाइम की एसआई यूनिट कौन कौन सी होंगी, तो बहुत आसान सा सवाल है, मास की हो जाएगी किलोग्राम, लेंथ की हो जाएगी मीटर और टाइम की सेकेंड, ऑप्शन ए। पृथ्वी में सबसे भारी भरकम एलिमेंट कौन सा है अगर आप एटॉमिक वेट के हिसाब से देखें, तो ये यूरेनियम है, ऑप्शन डी। इसका एटॉमिक मास होता है 92, 92। मेडिसिन की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो कि बॉडी टिश्यू और फ्लूइड से डील करती है, तो ये पैथोलॉजी है जिसमें ब्लड टेस्ट करके और शरीर के दूसरे फ्लूइड का टेस्ट करके हम ये जान सकते हैं कि शरीर में कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। इनमें से किस चीज़ का आप यूज़ करेंगे दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उसमें अगर आप रफ़ सरफेस बना देंगे, दोनों को रफ़ बना देंगे तो फ्रिक्शन अपने आप बढ़ जाएगा, टू इंक्रीज द रफनेस, ऑप्शन ए। नट क्रैकर या फिर सुपारी तोड़ने वाला जो सरौता होता है कौन से टाइप का ये लीवर होता है, तो ये क्लास सेकंड लीवर होता है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि खट्टे फलों में स्ट्रॉबेरी में और आलू में पाया जाता है, तो यह है ऑब्वियस सी बात है विटामिन सी, ऑप्शन डी। हमारे पास तीन सोल्यूशन है जिनका हमने लिटमस पेपर पे टेस्ट किया और ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिले। पहला सोल्यूशन जो है उसने लिटमस पेपर को लाल बना दिया,
दूसरे सोल्यूशन ने इसे नीला बना दिया, लेकिन तीसरे सोल्यूशन ने इसका कलर जो था वही रखा, इसको चेंज नहीं किया। तो कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ से निकाले जा सकते हैं? तो पहला सोल्यूशन एसिडिक होगा, दूसरा बेस या फिर कह लीजिए अल्कलाई, लेकिन तीसरा न्यूट्रल, ऑप्शन ए। कैटलिस्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है? बिल्कुल उसका काम यही है, लेकिन खुद को कंज्यूम नहीं करता, जबकि दूसरे में लिखा है कर देता है, तो ये गलत है। लाइट को कैटलिस्ट नहीं मानेंगे क्या? तो बिल्कुल मानेंगे, फोटोसिंथेसिस और फोटोलिटिक रिएक्शन जितने भी हैं उसी के प्रेजेंस में होते हैं, तो ये गलत, ये गलत। एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है, तो ये सही। तो ओवरऑल आंसर यहाँ से ये होगा कि पहला और चौथा सही, बाकी सब गलत, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से कौन है जो कि इन्वर्टिब्रेट एनिमल है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी एग्जिस्ट नहीं करती? तो 154 नंबर में अगर आप देखेंगे, तो जो केचुए और लीच होते हैं ना, उनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट होगा। दिमाग का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मूवमेंट यानी चलते समय, किसी को छूते समय, देखते समय, सुनते समय और थॉट प्रोसेस के टाइम पे जो जो चीज़ें कंट्रोल में आती हैं? तो ये सेरिब्रम का हिस्सा होता है, और अगर सेरिब्रम नहीं है तो कॉर्टेक्स करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। कोई ट्रांसफार्मर है जहां पे प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, यहां पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं। तो अगर आप चारों ऑप्शन में पढ़ेंगे तो आपको सेकेंडरी के बारे में चारों ऑप्शन में बताना होगा। तो जिस ट्रांसफार्मर में, जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं ना, उसका आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है और साथ ही साथ करंट कम होता है, बिकॉज वोल्टेज और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है ना, तो आउटपुट वोल्टेज भी कम होगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा। ओवरऑल आंसर हमारा होगा द आउटपुट वोल्टेज एट सेकेंडरी इज लोअर एंड एज अ रिजल्ट करंट इंक्रीजेस, ऑप्शन डी। 157 नंबर में स्काई डाइविंग के ऊपर हमारा सवाल है कि कोई बंदा है जो कि आसमान से कूद रहा है जमीन की तरफ, और उसने अचानक अपने हाथ पर फैला लिए। जिस स्पीड से वो गिरेगा, तो हाथ पर फैलाने के बाद उस पर क्या असर पड़ेगा? तो बट ऑब्वियस है, उसने हाथ पर तभी फैलाए होंगे जब उसको अपनी गिरने की स्पीड कम करनी होगी। और स्पीड कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि नीचे जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे को दोनों बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और इसी चक्कर में स्पीड कम हो जाएगी। इस स्पीड विल डिक्रीज बिकॉज ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि इक्वल हो जाएंगे, लेकिन जो है इक्वल होने का प्रयास जरूर करेंगे, और इसी चक्कर में स्पीड कम होगी, ऑप्शन बी। 158 नंबर स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट है किसी एलेक्स का, जिनका ये कहना है कि चांद का जितना भी मास है उससे अगर डबल हो जाए, तो चांद और पृथ्वी के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वो भी डबल हो जाएगा। तो चलिए इनके स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। एफ इज इक्वल टू होता है जी टाइम्स ऑफ एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं एम वन चांद का मास है और एम टू अर्थ का। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, यही 2 बाहर निकल आएगा और ये पूरी चीज़ बच जाएगी जो कि फोर्स के इक्वल होती है। तो फोर्स डबल हुआ कि नहीं? तो एलेक्स साहब अपनी जगह पे सही हैं। दूसरी एक बंदी है ट्रेसी, जिनका ये कहना है कि अगर चांद और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है आधा हो जाए, तो इनके बीच में फोर्स 4 गुना लगेगा। क्या ऐसा होगा? एफ इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर में मैंने बताया कि एम वन एम टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रेडियस अगर आप कम कर देंगे, यानी डिस्टेंस, यानी आर बाई टू का स्क्वायर, तो बटे में जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा, एफ जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों के दोनों अपनी जगह पे सही हैं, कोई भी नहीं है जो कि गलत हो जाए। तो एलेक्स एंड कैरी बोथ आर करेक्ट, एलेक्स एंड ट्रेसी, सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है। इनमें से कौन सा ऐसा धर्म है जो कि इंडिया में नहीं होता? तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, ये तीन तो बट ऑब्वियस है इंडिया में होंगे, लेकिन ये जो जुदाइज्म यानी कि यहूदी धर्म होगा ना, ये इसराइल के पास पाया जाता है, इंडिया में नहीं, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त के जो एडवाइज़र थे कौटिल्य, उनको कौन से ग्रंथ के लिए जाना जाता था? तो अर्थशास्त्र के लिए, ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था? तो बहुत फेमस युद्ध है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी एंड बाबर, ऑप्शन बी।
कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर किंगडम के राजा थे, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ये? इनकी डायनेस्टी का नाम हो जाएगा यहाँ से तुलुप वंश, ये वहाँ के थे। ऑप्शन बी। इंडिया की आर्कियोलॉजी या फिर कह लीजिए हिस्टोरिकल पीरियड के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें कब कब आई थीं? तो पहले पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, और उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले और भी युग शामिल हो चुके थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 163 में, वो ऑप्शन बी होना चाहिए। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में कमर्शियल ट्रेड के टाइम पे एक कीवर्ड यूज होता था, हुंडी। इसका मतलब क्या है? तो हुंडी का अगर आप इसमें मतलब देखेंगे तो ये हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन डी। इनमें से कौन है जिनको एंशंट इंडिया के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? प्राचीन भारत में जो नेपोलियन थे लगभग उनको उसी तरीके से देखा जाता था। तो ये है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। इनमें से कौन है जिन्होंने सोमनाथ के टेम्पल को, जो कि गुजरात में है, धराशायी कर दिया था? तो ये थे महमूद गजनवी या गजनी, ऑप्शन बी। एक वन वर्ड बताना है 167 में, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो जैसे ही आपने ये देखा आप तुरंत क्लिक कर लेंगे अपने दिमाग में, न्यूमिज्मेटिक होगा, ऑप्शन बी। लेकिन उसमें सिक्के ही नहीं कलेक्ट करते, जो भी मेटल की चीज़ें मिलती हैं उनकी एनालिसिस करने लग जाते हैं, तो ऑप्शन बी। लेट 1700s में यानी 1792-93 के आसपास जो बंगाल में नए पावर का नियम आया था, उसके हिसाब से कौन सी बात सही नहीं है? तो जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो ऑप्शन ए माना है, जिसके हिसाब से लिखा हुआ है कि जमींदारों को कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। अरे इसीलिए तो जमींदार नियुक्त किए गए थे कि वो टैक्स कलेक्ट करके किसानों से इनको देंगे, जबकि यही बात इन्होंने गलत बोली है। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डाउटफुल है, आप 168 को चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि 1885 में एओ ह्यूम द्वारा फाउंड की गई थी, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे वोमेश चंद बनर्जी यानी WC बनर्जी, ऑप्शन बी। कौन सा ऐसा देश है जहाँ से गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था USA के सैन फ्रांसिस्को से, ऑप्शन सी USA। 1853 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे इंडिया में कौन कौन से दो स्टेशन हैं जिनके बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी? तो बहुत बचपन से जानते होंगे आप कि मुंबई टू ठाणे, इन दोनों के बीच में गाड़ी चली थी, ऑप्शन ए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे, आगे आने वाले एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कौन लाए थे, तो लॉर्ड डलहौजी। इसको लाने का पर्पस क्या था? झांसी राज्य को, जो उस समय राज्य हुआ करता था झांसी, उसको अपने कब्जे में करने के लिए ये लेके आए थे, ऑप्शन बी। और यही रीज़न है कि इसके बाद झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो अपने अधिकार के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था और बाकायदा युद्ध भी किया था अंग्रेजों से, बाकी सब आप जानते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सी ऐसी इवेंट है जो कि महात्मा गांधी द्वारा निकाले गए दांडी मार्च से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके लिए तो इन्होंने बेसिकली किया ही था, नमक कानून तोड़ने के लिए, अरे इसीलिए तो मार्च निकाला था। स्वराज को प्रमोट करने के लिए और देश में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि उनको अब ब्रिटिश सामान यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तीनों बातें हैं। और चौथी है कि फॉरेन क्लॉथ्स को, कपड़ों को बायकॉट करने के लिए, ये इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 173 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि साल 1907 में सूरत सेशन के टाइम पे दो पार्ट में बंट गई थी, एक पार्ट को एक्सट्रीमिस्ट कहते थे और दूसरे को मॉडरेट, इनमें से कौन से ऐसे नेता हैं जो कि मॉडरेट का हिस्सा थे? मॉडरेट कैटेगरी में इनको माना जाता था। तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। बाकी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ये सब के सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो इसका करेक्ट होगा बी। 175 में हमें बताना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, इसमें करेक्ट होगा डी। इनमें से कौन है जिनको सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए जाना जाता था?
और इन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए थे इसके लिए। तो ये थे राजा राम मोहन रॉय, और ये आज दिन तक लोग इन्हीं के नाम, इन्हीं कार्यों की वजह से इन्हें जानते हैं। तो ऑप्शन सी, कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन है जिसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को आगे आने वाले वर्षों के लिए कांग्रेस का एक मुख्य लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। तो ये सेशन है कोलकाता का सेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा। उसके बाद माउंटबेटन प्लान, जो कि 1947 में लाया गया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवीज़न किस तरीके से होगा, इसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस प्लान में शामिल थी। आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आप पॉइंट वेरीफाई करके बताइए कौन कौन सी थी। पहला है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो पंजाब और बंगाल की विधानसभाएं थीं वो दो अलग अलग ग्रुप में मिलेंगी, हिंदू उसमें अलग पार्टिसिपेट करेंगे, मुस्लिम अलग। तो ये तो था, सिंध पाकिस्तान का पार्ट होगा, ये बात उस प्लान में नहीं कही गई थी। हालांकि आज सिंध पाकिस्तान का पार्ट जरूर है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP पाकिस्तान का पार्ट होगा, ये बात उस समय नहीं बोली गई थी। तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला अभी तक सही है। चौथा देखते हैं कि अगर पार्टीशन हुआ, अगर दो देश बने, तो दो अलग अलग देश होंगे और उनकी अलग अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी होंगी जो उनके संविधानों का निर्माण करेंगी। तो ये तो था, पहला और चौथा सही है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे पुराने टाइम की एक परंपरा है जिसे कहते हैं फुलकारी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, कहाँ पे ये पॉपुलर है? तो ये जो स्टाइल है ये पंजाब में ज़्यादा पॉपुलर है, ऑप्शन सी। कौन सा ऐसा फोक, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे रागिनी नाम का फोक सॉन्ग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये राज्य है हरियाणा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि जाना जाता है अगर आप किसी पर्टिकुलर देश में सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज को मिला के जो आने वाला पैसा है उसको नाप लें? तो ये है GDP एट मार्केट प्राइसेस, ऑप्शन ए। उसके बाद एक और टेक्निकल सवाल, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, कि उपभोग प्रवृत्ति की यहाँ पे सही डेफिनेशन कौन सी मानी जाएगी? तो ये मानी जाएगी कि कौन कितना कमाता है, उसमें से कितना खर्च कर देता है, द कंज्यूमर पर यूनिट ऑफ इनकम, ऑप्शन बी। सिल्क रूट के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो सिल्क रूट सिर्फ सिल्क के यातायात के पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था क्या? क्या ऐसा था? तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहला यहाँ से गलत। दूसरा है कि ये जो रूट है उस टाइम पे अलग अलग देशों को के लोगों को आपस में मिलवाता था, और ये लोग एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज कर सकते थे, मतलब एक दूसरे से सीख सकते थे उनका रहन सहन, ये तो था, अलग अलग देशों को जोड़ता था इस वजह से। उसके बाद तीसरा है कि जो सिल्क रूट है चार पार्ट में बटा था, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, इतने पार्ट थे इसके, तो ऐसा भी नहीं है। इस सिल्क रूट की अगर आप बात करेंगे तो इसके दक्षिणी हिस्से में खोतन एक इम्पॉर्टेंट, खोतान कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी। तो ये तो था, ओवरऑल आंसर हमारा इसमें ये जाएगा कि दूसरा और चौथा सही है, बाकी सब गलत हैं। तो 183 का करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ। उसके बाद सूफिज्म के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा कि ये म्यूजिक और डॉक्ट्रिन के थ्रू अपने धर्म के बारे में बताते थे, तो ये तो था। अब ये धर्म के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऑप्शन दो में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तीसरा है कि ये सिलसिला के अंतर्गत संगठित होते थे, तो ये तो था, पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ इन्होंने ही किया, तो ये तो था। तो पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर देश के अगर आप सारे इंपोर्ट को एक साथ ले लें और एक्सपोर्ट को एक साथ ले लें और इनके बीच का अंतर निकाल लें, तो इस अंतर को क्या कहेंगे? तो इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ग्रुपिंग है जिसका इंडिया पार्ट है? 186 का करेक्ट आंसर होगा G20, इंडिया का, सॉरी, इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया एक भाग है। 187 में पूछा है कि भारत की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, इनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं?
तो ऑब्वियस सी बात है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। इनमें से कौन है जिन्हें वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है? तो ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। 189 में हमसे पूछा हुआ है फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या है। तो फिस्कल जो डेफिसिट है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि मान लीजिए इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इंडिया दूसरे जगहों से जो कर्ज लेगा ना, उसे ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सॉइल इरोजन के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होंगे? तो पहला है सिर्फ और सिर्फ बारिश और ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जहाँ पे ओनली लिखा है इसका मतलब लिमिटेशन है, जबकि हम लोग को पता है कि सॉइल इरोजन में सारे फैक्टर शामिल होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओवर ग्रेजिंग और नेचुरल फैक्टर सब कुछ। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी और फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों को उगाना, इन दोनों कामों के लिए आपको किस पे फोकस नहीं करना होता है? सीड फार्म यानी बीज आपको अच्छी क्वालिटी के चाहिए, तभी आपको अच्छे पौधे मिलेंगे जो आपको अच्छे फूल देंगे, तो इसमें तो फोकस करना है, तो ये गलत हो जाएगा। सस्टेनेबल एक्वा कल्चर, बस आपने पकड़ लिया, एक्वा कल्चर यानी मत्स्य पालन, मछली पालना। तो बागवानी में मछली पालन का कोई लेना देना नहीं होता, दोनों अलग टॉपिक हैं, तो ये यहाँ से गलत है, ऑप्शन बी। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पौधे उगा रहे हैं ना, उसमें फूल भी आपको लेके आने हैं, तो ये है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, टिश्यू कल्चर यानी अच्छे अच्छे टिश्यू चाहिए, तब आपको बढ़िया पौधे मिलेंगे, ये तो है, तो इसमें करेक्ट होगा बी। 192 में सरफेस मल्चिंग का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, यानी सरफेस मल्चिंग आप किस लिए करते हैं बेसिकली, ये बताइए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए आप करते हैं, क्योंकि अगर आप मल्चिंग करेंगे तो सॉइल इरोजन को कम करेंगे और साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेंगे। तो मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिकल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन ए। सब्सिडी देने का पर्पस क्या होता है, इस बारे में यहाँ पे बात करनी है 193 में। तो इसके लिए सबसे पहले ये रीज़न ढूंढिए कि सब्सिडी किस लिए नहीं दिया जाता है। तो पांचवे में जैसा कि लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ फार्मर, देखिए सब्सिडी देके आप किसी की हेल्प करते हैं, उसको प्रॉफिट कमवाने में मदद नहीं करते हैं, तो पांचवा गलत हो जाएगा। और बाकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, कि अगर आपने कोई टारगेट रखा है कि आपको अपने इतने सारे प्रोडक्ट बेचने हैं, तो प्रोडक्ट खरीदने वालों को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देंगे आप, तो आपका सामान ज़्यादा बिकेगा, ये तो है। टेक्नोलॉजी प्रमोट करने के लिए उज्ज्वला योजना इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, कि लोग पहले चूल्हे में खाना पकाते थे, अब सिलेंडर में, तो टेक्नोलॉजी तो इनमें इन्हेंस हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सुविधाएं तो होंगी ही, क्योंकि चूल्हा पकाने के जो डिसएडवांटेज थे वो ओवरकम हो चुके हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, जब सामान ज़्यादा बिकेगा तो इसको बाहर भी भेजा जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी। एड वैलोरम टैक्स का मतलब क्या है? तो एड वैलोरम टैक्स उन ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है जो कि नए नए मार्केट में आए होते हैं। टैक्स इम्पोज ऑन द प्राइस चार्ज इन द मार्केट, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। 195 में हमें बात करनी है कि एसिडिफिकेशन और नाइट्रेट लीचिंग क्या होता है। तो ये दो दो फिनोमिना है ना, ये रिलेट करते हैं सॉइल से, क्योंकि सॉइल में अगर एसिड का कंटेंट बढ़ गया तो एसिडिफिकेशन, और अगर नाइट्रेट का कंटेंट बढ़ गया तो नाइट्रेट लीचिंग। और एसिड और नाइट्रेट दोनों ही केमिकल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों फिनोमिना तब लागू होंगे जब सॉइल में केमिकल ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे। अ प्रोसेस ऑफ केमिकल सीपेज इन दी सॉइल, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो कि इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जो कि उसको हेल्प नहीं करेगा बल्कि और ख़राब करेगा? तो टिलेज यानी कि अगर आप खेत ज़रूरत से ज़्यादा जोतेंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा और पानी पल्यूट भी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के साथ पानी कंबाइन हो जाएगा, तो आगे वो किसी काम का बचेगा नहीं। तो ये यहाँ से इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव डालेगा। और बाकी वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी और वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के द्वारा ये सब चीज़ें
हम लोग को फ़ायदा पहुंचाएंगी, जबकि टिलेज अगर ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो नुकसान करेगा। ए यहाँ से करेक्ट हो गया। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें सेम खेत के ऊपर आप अलग अलग फसलें उगाते तो हैं लेकिन किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, कहीं भी कोई भी फसल आप उगा देते हैं? तो यह है मिक्स्ड क्रॉपिंग। 197 का करेक्ट होगा ए। 198 है, इनमें से ओवर इरिगेशन और पुअर ड्रेनेज सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से हैं, मतलब इनके कारण क्या हो सकता है? ओवर इरिगेशन यानी खेत में पानी आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं, पुअर ड्रेनेज यानी वहाँ से पानी निकालने की सुविधाएं भी नहीं हैं। तो वाटर लॉगिंग, पानी तो इकट्ठा हो ही जाएगा बिकॉज ज़्यादा एक तो पानी डाल रहे हैं ऊपर से उसको निकाल भी नहीं रहे हैं। सॉल्ट सेलिनाइजेशन, पानी के ऊपर नमक का कंटेंट बढ़ जाएगा क्या? तो ये यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा। वाटर टेबल बढ़ जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। मिट्टी के ऊपर ज़्यादा पानी है तो वो नीचे जाएगा और वाटर टेबल बढ़ जाएगी। जो प्लांट वहाँ पे उगेंगे उनको ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब उनको ज़रूरत भर की भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि जो हवा से उनको ऑक्सीजन मिल सकती थी उसकी सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। ये चारों की चारों चीज़ें हो जाएंगी। 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग और टिलेज, ये सब कौन कौन सी चीज की कैटेगरी के अंदर आती हैं? तो ये सारी चीज़ें आप तब करते हैं जब आपको सॉइल कंजर्व करनी हो और साथ में पानी भी पॉल्यूट होने से बचाना हो। मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन बी। अगर आपको इंटर क्रॉपिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो कौन कौन सी कंडीशन इसके लिए चाहिए होंगी? पहली कंडीशन इसमें है कॉम्पिटिशन फॉर लाइट शुड बी मिनिमम अमंग दी डिफरेंट क्रॉप जोन। ये पहली क्रॉप, ये दूसरी क्रॉप, ये तीसरी क्रॉप, जो लाइट का कंटेंट इसको मिलता है वही बाकी सबको अगर मिल जाए तो आपकी जो क्रॉपिंग की टेक्निक है वो सफल हो जाएगी, अदरवाइज सब मिक्स हो जाएगा। तो ये तो चाहिए आपको। द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप। जितना न्यूट्रिएंट इसको चाहिए उतना ही बाकी सबको नहीं चाहिए होना चाहिए। एक टाइम पे अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा खप रहा है एक क्रॉप के ऊपर तो वही न्यूट्रिएंट दूसरी क्रॉप के लिए कम यूज़ होना चाहिए, नहीं तो फिर आउटपुट सही से नहीं आएगा। तो ये तो है, दोनों बातें हैं। द डिफरेंस इन द मेच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 120 डेज। अगर पहली क्रॉप इस वक्त मैच्योर हो गई है तो अगली 120 दिन बाद होनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो इसमें 1, 2 एंड 3 करेक्ट होगा, चौथा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी।